हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट का क्वेश्चन पूछने वाला जो कि बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ से। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों। ये आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यही आपका फ्यूचर होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सच्चाई रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बीएमएस के स्टूडेंट्स का आता है, क्या वो दोस्तों बीएमएस के साथ साथ अपना नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं दोस्तों कि बीएमएस ले लेते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं और साथ के साथ नीट की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बीएमएस में भी आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे जगह तो ये भी बोला जाता है कि बीएमएस की स्टडी एमबीबीएस से हार्ड है। दोस्तों मैंने खुद बीएमएस कर रहा हूँ, मेरे को पता है दोस्तों एमबीबीएस से हार्ड है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे पहले 2 साल, उसके साथ साथ आपको आयुर्वेदा भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको लिए नए सब्जेक्ट आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है और आपको हार्ड लगता है। ऐसा तो दोस्तों ये रियलिटी है। अब बीएमएस में तो थोड़ा बहुत हार्डशिप लगेगा, और दूसरी बात दोस्तों आपका कैडेवर डाइसेक्शन भी होगा और आप एक डॉक्टर बनने वाले होते हैं, तो आपको दोस्तों अपने पे विश्वास रखना है। आप बीएमएस करके भी एक अच्छा सा अर्निंग स्कोप कमा सकते हैं। ये नहीं करना कि भाई एमबीबीएस ही मिलना है, एमबीबीएस के पीछे आपने साल बर्बाद कर लेने हैं, मल्टीपल ड्रॉप ले रहे हो आप दोस्तों, बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपने बीएमएस ऑप्ट कर लेना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों के प्रिपरेशन के बाद भी दोस्तों जनरल कैटेगरी में यहीं पे 490 से 510 नंबर के बीच में मार्क्स अटक जाते हैं। एक टाइम आता है दोस्तों जो 2-3 ड्रॉप आने के बाद भी दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों के इसी रेंज में मार्क्स आते हैं, और वो सोचते हैं दोस्तों अभी थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं, थोड़ा और एफर्ट डाल देते हैं तो अगले साल 600 नंबर आ जाएंगे। परंतु दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस साल दोस्तों 618 नंबर पे दोस्तों एमसीसी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कम्प्लीट की है एमबीबीएस के लिए। इस सिनेरियो को देखते देखते आपको पता लग जाएगा दोस्तों अभी आए साल एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए दोस्तों कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये ना हो दोस्तों आपको इस साल जो बेहतरीन बीएमएस का कॉलेज मिल रहा है वो आपको अगले साल ना मिले इन नंबरों के साथ। तो दोस्तों आपने अपना साल और अपने जो कीमती नंबर आए हैं आपको उसको गंवाना नहीं है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपने दोस्तों बीएमएस में एडमिशन आँख बंद करके ले लेना है, और दोस्तों बीएमएस में भी आगे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं दोस्तों, आगे काफ़ी सारे स्कोप्स हैं जहाँ पे आप करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जैसे कि आपको पता लग सके दोस्तों बीएमएस का फ्यूचर क्या है। और दोस्तों आपको पता है जैसे हम नीट काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, तो आप किसी भाई को कोई भी डाउट हो दोस्तों कौन सा कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है या बुरा है दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं बीएमएस अच्छा है या वेटरनरी अच्छा है। दोस्तों ये देखो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मेरे को अच्छा लगता है दोस्तों एक इंसानों का डॉक्टर बनना एज़ कम्पेयर टू जानवर का डॉक्टर बनना, क्योंकि आजकल दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों बीएमएस करके आपको जॉब अच्छी तरह से मिल सकती है, वेटरनरी करके मिलती है दोस्तों वो बात नहीं है, वेटरनरी करके नहीं मिलती आपको। परंतु दोस्तों जो एक पीस ऑफ माइंड होता है दोस्तों बीएमएस वाले का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेटरनरी, क्योंकि दोस्तों अभी न्यू पॉलिसी आई है वेटरनरी के, वो जो आते हैं ना दोस्तों पशुओं के एनजीओ चलते हैं जो आजकल नए वाले, वो गाड़ियों में कुत्ते को उठा के लेके जाते हैं, आज रोडों पे स्ट्रीट डॉग्स को किसी को बीमारी होती है उसको उठा के लेके चलते हैं, गौशाला में चले जाते हैं दोस्तों, तो उनकी दोस्तों 412 पे नंबर पे उनकी ड्यूटी लगती है, उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है दोस्तों, वेटरनरी वैन ऑफिसर कहलाते हैं दोस्तों, उनकी सैलरी यहीं कहीं होती है दोस्तों 40,000 तक लाख से जाती है दोस्तों, 25 से 40,000 तक इनकी मंथली सैलरी होती है। तो दोस्तों इतना तो बीएमएस वाला डॉक्टर आराम से कमा ही सकता है। बाकी आपकी प्रेफरेंस है दोस्तों, आपको जानवर का डॉक्टर बनना है मैं रोकूंगा नहीं, आप जानवर का डॉक्टर भी बन सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी आबादी है गाँव में भी जानवरों की तो आप जा सकते हैं। परंतु दोस्तों बीएमएस भी एक अच्छा स्कोप है। इसके अलावा दोस्तों आप बीएचएमएस भी कर सकते हैं, और कौन से बेस्ट कॉलेज होते हैं दोस्तों आपको हम बता देंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं दोस्तों आयुष काउंसलिंग की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, इसी वीक से EEEC की काउंसलिंग होने वाली स्टार्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका मेजर अपडेट आने वाला है। तो किसी भी दिन आपकी इस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कभी भी आपकी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट कर लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको पता लग सके। और काफ़ी सारे भाई पूछते हैं भाई कौन से बेस्ट से बेस्ट बेहतरीन गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज बताइए दोस्तों, जो हमें आगे जाके नौकरी दे। दोस्तों देख सकते हैं आप सबसे बेस्ट कॉलेज तो मैं यही बताऊंगा, आप बीएचयू कर सकते हैं, बीएचयू में ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों एनआईए जयपुर में कर सकते हैं, आईटीआरए दोस्तों जामनगर है, ये बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज हैं। इसके बाद दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लगता है। दोस्तों मेरे को पर्सनली आपको
बताऊँ तो दोस्तों धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज लगता है जो कि चंडीगढ़ में है। आपको दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, मैं पर्सनली विजिट कर चुका हूँ दोस्तों। उसकी फीस स्ट्रक्चर भी नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू, ज़्यादा अच्छी ज़्यादा भी नहीं है डीम यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। तो आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज दोस्तों चंडीगढ़ में लोकेट करता है, चंडीगढ़ की मेन सिटी में लोकेट करता है दोस्तों, मोहाली में नहीं है। और वहाँ पे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सिटी भी अच्छी है, आप 5.5 साल आराम से मौज में बिताओगे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अपने स्टेट के कॉलेज में करो अच्छा नहीं हो, वहाँ पे मतलब कुछ ढंग से पढ़ाते नहीं हो टीचर, ऐसा कुछ नहीं है सिनेरियो। आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो अच्छे कॉलेज में जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप पैसे दे के भी आप बेकार चीज़ सीखो, वो बात हो जाती गलत है, ठीक है। और इसीलिए हमने दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा रखी है अपने चैनल पे, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपके 5.5 साल किस कॉलेज में जाएंगे, आप रो रो के बिताओगे या दोस्तों हंस हंस के बिताओगे, आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई शर्म की बात नहीं। आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों कमेंट अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी जनता आपको देख रही होती है। ओनली जो दोस्तों बढ़िया कमेंट से अच्छे तरह से रिस्पेक्टफुली कमेंट देते हैं, गाइडेंस को फॉलो करके उसका बढ़िया से बढ़िया हम काउंसलिंग करवाते हैं दोस्तों। आपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के रिप्लाई भी देख रखे होंगे, हमने ज़्यादातर सारे सब्सक्राइबर भाइयों को रिप्लाई दे रखा है, उनकी सारी क्वायरी दूर कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की PDF वगैरह चाहिए हो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बेहतरीन महत्वपूर्ण खबर आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि इस साल आयुष काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है। आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ डिनाइल आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो साल अभी अप्रूव्ड ही नहीं हुए दोस्तों, कॉलेज अभी लिस्ट आई है दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें आप कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब काफ़ी कम अभी आयुर्वेदिक कॉलेज ऐसे हैं जो कि अभी पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आयुर्वेदिक कॉलेज क्यों नहीं अभी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ परमिटेड आयुर्वेदिक कॉलेज है, हमने पहले से डाउन करके रखी थी, वापस आपको दिखाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 30/6/2023 का है, यहाँ पे बस कितने आयुर्वेदिक कॉलेज अभी परमिट किए हैं आपको ये दिखाएंगे हम। 42 आयुर्वेदिक कॉलेज परमिट किए, और देश भर में कितने हैं दोस्तों, 42 तो कुछ नहीं है, एक स्टेट में हो जाते हैं 70, तो अभी ये परमिट ही नहीं हुए काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। तो अभी कैसे आपका हो सकता है, जैसे हरियाणा स्टेट पर मैं बताऊंगा दोस्तों, आपका श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो कि स्टेट काउंसलिंग करवाती है, ये आपको देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी तो जल्दी अपना करवा दिया, परंतु दोस्तों श्री कृष्णा वाले का अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, देख सकते हैं श्री कृष्णा के नाम पे कोई मैच ही फाउंड नहीं हुआ है। तो मतलब अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं जो रजिस्टर होना बाकी हैं, तो दोस्तों आपको वेट करना है, अभी हड़बड़ी नहीं मचानी है। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं वर्टिनिटी का क्या सीन है भाई लोगों, तो दोस्तों देखो आपकी मर्जी है, आप वर्टिनिटी बन सकते हैं, आगे काफ़ी सारे स्कोप है। परंतु दोस्तों मैंने आजकल का सिनेरियो देखा है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा वर्टिनिटी, वेटनरी अभी जॉब देखेंगे ना जब आप, तो आपको सैलरी का एक रफ आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों ये इतनी है, परंतु दोस्तों एक प्राइवेट जगह में आप यहाँ से इतना कमा सकते हैं, आप मोटा मोटा 4 लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं है, 35,000 कुछ समथिंग आपको पड़ेगा मंथली, उतना जैसा हमने आपको बताया उतना ही आपको पड़ेगा। तो दोस्तों आप BMS के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी आपके मन में क्या राय है वो भी बता सकते हैं। और काफ़ी सारे भाई लोग पूछते हैं BSc नर्सिंग क्या गवर्नमेंट कॉलेज से करने के फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है, तो मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा दोस्तों, BSc नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि आगे जाके गर्ल्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसमें दोस्तों कोई मैं वो नहीं बताऊँगा, जर्नलिज्म नहीं करूँगा हैं, फिर आप सीधा सीधे जान सकते हैं दोस्तों, आपको गवर्नमेंट वैकेंसी में नर्सेज की वैकेंसी ज़्यादा निकलती है एज़ कम्पेयर टू मेल, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों BSc नर्सिंग फीमेल को ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वैकेंसी निकलती है। भाई आप कॉलेज भी कर रहे हो आपकी वैकेंसी नहीं निकल रही है, फिर आपने प्राइवेट में 8-9 हज़ार से आप कहीं चलेगा, तो आप दूसरी BSc सिंपल करके कमा सकते हो ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया जो बताऊँगा। BHMS भी आप कर सकते हैं, कम कट ऑफ पे सरकारी कॉलेज मिल जाता है, BHMS में भी आपको सेम जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि BMS में मिलती है ज़्यादातर जगह, क्योंकि दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब आती है ना BMS और BHMS के लिए कॉमन आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी आपकी सैलरी यहीं से आपको मिल जाएगी जो कि 25,000 से 30,000 रुपये है मंथली, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी रिलेटेड। अभी MBBS के राउंड फर्स्ट के रिजल्ट आ गया है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस चल रही है दोस्तों, आपने रिपोर्ट कर देना है अपने कॉलेज में,
और काफ़ी सारे भाई लोग पूछते हैं दोस्तों राउंड टू में उन्हें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि उनको इस साल कॉलेज नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप सीधा प्री एग्जिट कर दीजिएगा, उनका ऑटोमेटिक राउंड टू में एडमिशन हो जाएगा। और दोस्तों अभी काफ़ी सारे भाई लोगों ने परेशान होकर ये नहीं किया है कि भाई एडमिशन पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, मैं आपको बता रहा हूँ जिन भाइयों की स्टेट काउंसलिंग चल रही है वो अपने स्टेट से काउंसलिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे को पता है जो वीडियो देख रही है जनता उसमें काफ़ी सारे बच्चों के बिल्कुल बॉर्डर नंबर पर मार्क्स आ रहे हैं। तो आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के छोड़ के अपने स्टेट काउंसलिंग करवाना है जिससे कि आपको जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज मिले। एक साल बहुत बेहतरीन होता है दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का वर्ष बर्बाद ना कीजिएगा। हमारे चैनल की शुभकामना हम आपके साथ हैं दोस्तों, आपको कोई भी बेस्ट कॉलेज चाहिए होगा आपको ज़रूर मिलेगा, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहेगी दोस्तों। बाकी बेहतरीन चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए जिससे कि आपको भी बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।